अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज पूरे 4 महीने के बाद मैंने जो है अपना टेरेस गार्डन देखा है और 4 महीने बाद मैं अपनी जो है ये वीडियो जो है आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं खुद अपने गार्डन में आज पूरे 4 महीने बाद आई हूँ अपने टेरेस गार्डन में, तो सोचा कि इसका बता दूँ कि किस हाल में मेरा टेरेस गार्डन है, क्या हाल है ऑल प्लांट्स के, ये मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये देखिए मेरे ऑलमोस्ट जितने भी प्लांट थे उनकी हालत जो है थोड़ी अबतर है, हालांकि अब मानसून चालू हो गया है, बारिश का सीज़न चालू हो गया है, मगर फिर भी प्लांट्स की हालत बहुत ख़राब है। ये जो मेरा बोस्टन फर्म था ये देखिए ये पूरी तरह से जो है सूख चुका है, थोड़ी बहुत इसमें ज़िंदगी है तो इंशाल्लाह मैं इसको बचा लूँगी। और दूसरे प्लांट है जो ज़्यादा केयर नहीं लगते वो माशाल्लाह बहुत अच्छी हालत में है, हालांकि बच्चे और मेरे हस्बैंड इसकी जो है केयर कर रहे थे, पानी वगैरह इसमें डाल रहे थे, आके वाटरिंग वगैरह कर रहे थे, मगर फिर भी जो देखभाल मैं कर सकती हूँ प्लांट की वो कोई और नहीं कर सकता हमारे प्लांट की। तो बहुत से प्लांट जो है मेरे मर भी गए हैं और बहुत सौ की कंडीशन जो है ठीक है। ये कैना लिली है, इसमें भी देखिए इसके पत्ते भी जल गए हैं, कुछ ठीक है और इसकी भी हालत इंशाल्लाह सुधर जाएंगी। और ये इस पॉट में देखिए ये डायफन बेकिया का जो प्लांट था उसकी तो ग्रोथ नहीं हो रही है क्योंकि इसमें डेविल बैकबोन और बारामासी जो होता है वो प्लांट अपने आप ही निकल आए हैं, थोड़ी बहुत इसमें कटिंग गिरी होंगी। ये देखिए दोस्तों ये मेरा इसका ये प्लांट का तो हाल बहुत ही क्रोटोन, कितना घना था ये मेरा वाला क्रोटोन, इसकी आप हालत देखिए बिल्कुल ये खाली हो गया है पत्तों से। ऑब्वियसली इसमें अगर इसको वाटरिंग नहीं हुई होंगी बराबर उसकी वजह से इसके पत्ते सारे गिर गए हैं और नए पत्ते आ रहे हैं तो वो भी जलने लगे हैं। इंशाल्लाह इसकी भी हालत सुधर जाएंगी बहुत जल्द। और देखिए मैं आपको पूरे प्लांट दिखा देती हूँ, देखिए इसमें मेरी अपराजिता लगी हुई है और ये कलेंचू पूरी तरह सूख गया है, इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा, इससे निकाल के फेंकना पड़ेगा। और सारे प्लांट कुछ अच्छी कंडीशन में है, कुछ थोड़े मुतासिर हुए हैं। ये देखिए मैंने जो रंगून क्रीपर की बेल लगाई थी ये भी ऊपर से सूख गई है और नीचे से इसमें नई ग्रोथ हो रही है। और यहाँ पे भी ये देखिए बहुत अच्छे प्लांट चल रहे हैं, जिनको कम पानी की दरकार थी वो प्लांट तो बहुत अच्छे हैं, मगर जिसमें वाटरिंग कम हुई है ये देखिए इस तरह से बहुत से प्लांट मेरे ख़राब हो गए हैं। फ्रेंड्स ये एरिया जो है ये मेरा पूरा यहाँ पे जो है ये देखिए ऑलमोस्ट पूरे ही प्लांट ख़त्म हो चुके हैं, जो पान की बेल थी वो भी ख़त्म हो गई है, पान की बेल देखिए इसमें पान की बेल थी उसमें ज़रा भी ज़िंदगी नहीं बची है। और यहाँ मेरे मोज रोज लगे हुए थे, जितनी भी वैरायटी थी जितने भी ज़्यादा कलर के थे सभी सूख चुके हैं। और ये जो है ये बेल है, ये बेल के पत्ते भी देखिए पूरे सूख गए हैं, इसमें भी वाटरिंग करना पड़ेगी, थोड़ी हालत ख़राब है गार्डन की, मगर इंशाल्लाह वक्त रहते मैं इसको सुधार लूँगी। ये देखिए ये जो मेरे नागचंपा के पेड़ थे इसकी भी बहुत अबतर हालत है, टूट फूट का शिकार है। और फ्रेंड्स ये जो मैंने कटिंग से चंपा के प्लांट लगाए थे वो माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है, इसमें मैंने 8-10 कटिंग लगाई थी अलग अलग पेड़ के पौधों की, मगर इसमें सिर्फ जो ये चंपा का ही प्लांट जो है इसमें सक्सेस हुआ है, बाकी सभी जितनी कटिंग थी सभी सूख गई है। देखिए बहुत ही अबतर हालत है प्लांट्स की, इंशाल्लाह मैं इसको जल्दी सुखा लूंगी, सुधार लूंगी इसको। और ये मेरा ये देखिए ये भी बिल्कुल सूख गया है, इसमें कितने अच्छे रेड कलर के येलो कलर के जो बिग वाले फ्लावर आते थे ये उसका प्लांट है,
इसके भी पूरे पत्ते झड़ गए हैं। इसकी भी कटिंग करके प्रूनिंग करके मुझे इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। और ये देखिए ये, तो फ्रेंड्स वजह ये थी मेरे इतने दिन तक ये वाइटी से अब्सेंट रहने की, गायब रहने की। ये देखिए इसमें मोगरा में कितनी अच्छी बर्ड्स बन रही है, कलियाँ बन रही है बहुत अच्छी, मगर ये छाया में रखा हुआ है तो उसकी वजह से ये बराबर खिल नहीं पा रही है। और ये देखिए जासवंती का एक और पैर पौधा है मेरा, इसके भी पत्ते झड़ गए हैं, तो इसकी भी केयर करना पड़ेगी थोड़ी सी। सारे ही पौधों की हालत ख़राब है फ्रेंड्स। तो मैं ये कह रही थी कि मैं इतने दिनों से इसलिए वाइटी पे एक्टिव नहीं थी क्योंकि मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था, जिसके कारण कि मैं ऊपर जीना चढ़ के ऊपर आ नहीं पा रही थी। तो ये देखिए मेरी 3 साल से चिल्ला रही थी, मैं कह रही थी सबको, तो किसी ने भी ग्रीन नेट नहीं बांधे थे, मगर अब खुद को वाटरिंग करना पड़ रहा था तो टेम्प्ररी ग्रीन नेट जो है मेरा लग चुका है। पौधों को धूप से बचाने के लिए लगाए होंगे ये बिल्कुल। और इधर के प्लांट्स तो क्योंकि यहाँ थोड़ी छाया आती है, थोड़ी धूप आती है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही प्लांट मेरे बहुत अच्छे चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक नीम का पेड़ भी मेरे यहाँ निकल आया है, ये दिख रहा है, ये नीम का प्लांट, ये एलोवेरा में नीम का प्लांट जो है निकल आया है। और अडेनियम भी बहुत बड़ा हो चुका है, और सारे ही प्लांट सूखने के सूख चुके हैं। देखिए ये फैन पाम जो है मेरा, ये तो पूरा सूख चुका है शायद पानी ना मिलने की वजह से, ये पता नहीं किसी और कारण से। इंशाल्लाह मैं इनकी हालत सुधार लूँगी। तो फ्रेंड्स मेरा पैर में जो फ्रैक्चर था उसके कारण मैं ऊपर नहीं आ पा रही थी। तो देखिए ये प्लांट जो मैंने वॉशिंग मशीन में लगाया है ये भी पूरी तरह सूख गया है, नए पत्ते आ रहे हैं, गिर रहे हैं, इसमें वाइट मिली बक्स का भी जो है अटैक हो गया है, तो इसकी भी केयर करना पड़ेगी मुझे। ऑलमोस्ट सभी प्लांट की हालत ख़राब है और बहुत नुकसान भी हुआ है, बहुत से प्लांट मेरे सूख गए हैं। सबसे ज़्यादा तो मुझे ये फैन पाम जो है इसके सूखने का अफसोस है, पता नहीं अब बच पाएगा या नहीं, मगर फिर भी कोशिश करते हैं इसको बचाने की, ट्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आफ्टर 4 मंथ एक छोटा सा गार्डन व्यू। होप आपको ये पसंद आएगा और पिछली बार की तरह आप लोग मेरा साथ दोगे और मेरे साथ बने रहोगे। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़।